भूमि पेडनेकर के स्किन कलर पर क्यों हो गई वो बुरी तरह ट्रोल एंड कैसे सुनने पड़े मेकर्स को भी इस बात पर कड़वे बोल, लेट्स सी द डिटेल्स। दम लगा के हाइशा से डेब्यू करने वाली भूमि पेडनेकर की हाल ही में आई है फिल्म सांड की आग, जिसमें किया है उन्होंने एक 60 इयर्स की लेडी का किरदार और इस किरदार में लग रही है भूमि पेडनेकर काफी दमदार। वाइल हर फिल्म सांड की आग इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेज एंड इन फैक्ट ये हो गई है टैक्स फ्री डिक्लेयर इन राजस्थान, ऑन द अदर हैंड भूमि हो गई है हाल ही में एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार। जी हाँ, दिस हसीना इज फेसिंग एक्यूजेशन फॉर हर अपकमिंग मूवी बाला स्टारिंग आयुष्मान खुराना। इन द ट्रेलर भूमि हैज बीन शोन एज अ डार्क स्किन स्मॉल टाउन गर्ल और इस वजह से हो गए हैं इस फिल्म के मेकर्स ट्विटराजी के हाथों लैश। नेटिजन्स ने किया है बाला के फिल्म मेकर्स एंड भूमि पर वार बाय पॉइंटिंग देयर ऑब्सेशन फॉर अ फेयर स्किन पर्सन एंड दे सेड दैट व्हाई दे डिड नॉट कास्ट अ नेचुरली डार्क स्किन टोन गर्ल। व्हाइल द फिल्म आल्सो एड्रेसेस इश्यूज फेस्ड बाय मेन एंड वुमेन ओवर फेयर स्किन, बाला फिल्म बन गई है एक कॉन्ट्रोवर्सी अमंग्स नेटिजन्स और उन्होंने कर दिए इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत सारे ट्वीट्स। जहां भूमि पेडनेकर आजकल कर रही हैं अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस, दिस डजंट मीन दैट इन बॉलीवुड वी डोंट हैव एनी डार्क स्किन एक्ट्रेस। आप तो इस मूवी के मेकर्स ही दे पाएंगे इस बात का जवाब कि क्यों नहीं किया उन्होंने इस रोल के लिए किसी डस्की एक्ट्रेस को कास्ट।